वेल तेजस्वी प्रकाश एंड करण कुंद्रा आए दिनों अपने स्टोरीज की वजह से, अपने पिक्चर्स की वजह से और आने वाले उनके अभी स्पेशली म्यूजिक वीडियो के वजह से सबसे ज्यादा चर्चा में हमें दिखाई दे रहे हैं। बिग बॉस के घर में भी इनकी जोड़ी सुपरहिट थी, अब घर के बाहर भी ऑब्वियसली सुपर से भी बड़ी हिट बन चुकी है। लेकिन आए दिनों कुछ ना कुछ होता रहता है जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ लीना करण कुंद्रा को कोई ना कोई ट्रोल कर देता है, कुछ बुरा कह देता है। स्पेशली कुछ ऐसे फैंस हैं जिन्हें तेजा और करण की जोड़ी पसंद नहीं है, इसीलिए कभी ना कभी तेजा के अगेंस्ट, तेजा के साइड से करण के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। वेल अभी तक सामने क्लियरली वजह तो नहीं आ पा रही कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, किस वजह के, कौन सी ऐसी वजह होगी जिस वजह से तेजस्वी ने एक ऐसी स्टोरी डाल दी है जहाँ पर वो कह रही है कि ओनली पीपल विद गुड सेंस ऑफ ह्यूमर गेट सनीज जोक्स हैशटैग व्हाट अ पिटी। ओनली ऐसे लोग जिन्हें सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो जोक्स को समझ सकते हैं, उन्हें ही मतलब सनी के यानी करण के जोक समझ में आएंगे। वॉटर पिटी इसका हैशटैग भी जो है दिया जा रहा है और इसके पीछे का क्लियर रीजन नहीं पता चल रहा है। अभी कल की अगर बात करें तो कल सनी ने जो है तेजा के पिक्चर्स के नीचे कमेंट किया था कि तेजा के पिक्चर्स ज़्यादा अच्छे से मैं क्लिक करता हूँ, और उन्होंने एक पिक्चर भी डाल दिया था तेजा का जिसे फैंस ने काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया था, लेकिन अब वेरी अडोरेबल वे लिया था तो वो क्लियर नहीं हो रहा। अगर वहाँ पे लोग इतना अच्छे से ले रहे हैं तो अब ऐसा क्या अचानक हो गया जिसकी वजह से तेजा ने करण के लिए फिर एक बार स्टैंड ले लिया कि जिन लोगों को अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है वही करण के जोक समझ सकते हैं। व्हाट अ पिटी। इस स्टोरी को रीशेयर किया है करण ने और कहते हैं नो वंडर आई डिड नॉट गेट वोट्स, हंसने की इमोजी और विंक वाली इमोजी उन्होंने दी है, हैशटैग सूडो फेमिनिज्म भी इन्होंने लिखा है। क्लियर नहीं हो पा रहा है अभी तक कि आखिर क्यों तेजस्वी और करण ने ऐसी स्टोरी डाली है, ऐसा क्या हुआ इस बार, किसने किया है करण को टारगेट जिसके वजह से तेजस्वी ने करण के लिए स्टैंड ले लिया है। एंड करण इस चीज़ को इन अ वेरी फनी वे लेकिन सरकास्टिक वे में भी बता रहे हैं, कहीं ना कहीं ऑब्वियसली ही इज हर्ट एंड पिछले एक महीने से वी हैव सीन ही हैज बीन गेटिंग ट्रोल्ड अ लॉट, उन्हें कई ज़्यादा नेगेटिविटी चीज़ों का जो है सामना भी करना पड़ रहा है। तो अभी तक ये क्लियर नहीं सामने बात आ रही कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से ऐसी स्टोरी डालने की वक्त जो है इन दोनों पे आ गया है। अगर आपको मगर आपको क्या है लगता कि ऐसा क्या हुआ रहेगा, किस कॉमेंट के ऊपर या किस पोस्ट के ऊपर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से करण और तेजस्वी ने ये स्टोरी डाली, व्हाट इज़ योर टेक, आपको क्या लग रहा है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हम तो यही कहेंगे कि यार इन दोनों को, तेजरन को प्लीज़ नेगेटिविटी से दूर रखो, एंड यार इतना अच्छा कपल है यार, इतना अच्छे से उनकी लाइफ जी रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं, उनका रिलेशनशिप चल रहा है, फैंस उनसे खुश है, उनके फैंडम्स दे आर वेरी वेरी हैप्पी, लेकिन पता नहीं मतलब क्यों ही कोई नेगेटिविटी फैला रहा है यार, प्यार फैलाओ, नेगेटिविटी नहीं, हम तो यही कहेंगे। व्हाट्स योर टेक, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई सी यू गाइस सून, बाय बाय।